अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे छोटे बेटे का हाथ आप देख सकते हैं, उसको चाहिए कुछ मुंह में डालने के लिए। आज कुछ डिफरेंट है हमारी वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने बच्चे का फ़ोटोशूट आप घर में कैसे कर सकते हैं, स्पेशली फॉल के हिसाब से। मेरा बेटा माशाल्लाह से 8 महीने का हो चुका है, तो मैंने उसके लिए ये थीम ही रखा है क्योंकि मौसम यही चल रहा है। तो सिंपल आपके पास कोई भी चादर हो वो ले लें, और कोई बॉक्स ले लें जिसमें आप बेबी को बिठा सकते हैं। अगर आपके पास पम्पकिंस हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे और भी अच्छी लुक आ जाती है, कलर भी ज़्यादा इन्हांस होता है। और अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने के बाद मैंने कुछ पत्ते उठा लिए थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर्स के हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इन पत्तों को देख के वाकई इंसान अल्लाह का और भी शुक्र अदा करता है कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज़्यादा है, और ने हर एक चीज़ कितने फुर्सत से बनाई है। मतलब हर एक पत्ते में आप देखें इतने कोई खूबसूरत कलर्स हैं। तो मैंने रैंडमली जाके मेरे ख्याल से 3-4 मिनट में ही ये सारे पत्ते उठाए हैं, और डिफरेंट दरख्तों वाले जो नीचे पड़े हुए थे मैंने वहाँ पर भी एक थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया हुआ है, वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो सिंपली आप पत्ते ले लें बाहर से और उसको रैंडमली डाल दें आगे पीछे बॉक्स के साथ, बॉक्स के हल्के ऊपर भी, लेकिन वही ना कि बच्चा मुँह में डालता है, अभी बहुत छोटा होता है। तो ये बात है कि उसका बहुत ख्याल रखना है कि कहीं मुंह में डाल ना लें, थोड़ा ऊपर भी रखना है। क्योंकि मैं ये अपने सोफे के साथ कर रही हूँ, तो मैंने जो कंबल है वो इस तरीके से डाला हुआ है कि ऊपर की जगह को भी कवर कर ले, नीचे को भी, और ऊपर भी मैंने जो पत्ते हैं लीव से वो डाल दिए। तो ये आप देख सकते हैं इतनी कोई खूबसूरत लुक आ रही है, और ये कलर्स माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं। तो ये लगभग हार्डली मुझे 5 से 6 मिनट भी नहीं लगे ये सारा सेट करने में, मैंने ये सेट कर लिया है। इसमें मैं जो हूँ तो अभी अपने बेटे को बिठा दूँगी और उसकी मैं कुछ पिक्चर ले लूँगी। आप देखते हैं फोटोग्राफर्स जो है तो कितने पैसे लेते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन जब आप खुद कुछ कर सकते हैं बीइंग अ मॉम, आपके पास मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं अपने बच्चों के हवाले से। तो मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, और मेरे एक्सपेरिमेंट्स मेरे हस्बैंड को भी बड़े अच्छे लगते हैं। मैं हर मंथ ही कुछ अलग सोच रही होती हूँ, कुछ अलग कर रही होती हूँ, और ही सेड लाइक कि बस तुम कर जाती हो, तो तुम जो कुछ करना चाहती हो ना तो कर लेती हो। और ये मेरा जो पम्पकिन है वो छोटे पम्पकिन के साथ लगा हुआ है, वही उसको खाना भी तो है, अब सिर्फ जो है तो वो पिक्चर तो नहीं लेगा। तो मैंने पिक्चर्स ली हुई है, वो भी मैं वीडियो में शेयर करूँगी कि बहुत ही खूबसूरत आप फोकस के साथ कुछ पिक्चर्स ले लें, बहुत ही प्यारा लुक आया है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप ये जो है मेरा बेटा चाह रहा है कि वो सारे पत्ते उठा के अपने मुंह में डाल दे, इसको कर जल्दी से, अगर आप ले ना तो बस सारे खा ही जाएगा। पता नहीं इस एज में बच्चों को क्या मसला होता है कि उन्होंने हर एक चीज़ मुंह में डालनी है, और जिस चीज़ से रोको वो तो ज़रूर ही करनी है। अब देखिए इसके हाथ को सीरियसली मतलब हर जगह पहुंचा होता है, आई थिंक सारी बच्चों को यही होता है। जो है तो मैंने जो ली है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और लगा होगा। और इसका ड्रेस भी ऐसा था कि वो बिल्कुल फॉल के उसके साथ ही चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी पहना देती हूँ। इसकी कैप मुझे बड़ी क्यूट लगती है, तो अब छोटी हो रही है, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी से। और ये आप देख सकते हैं मेरा छोटा प्यारा सा बेबी, माशाल्लाह 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 लग रहा है। ये जो है तो मैंने इसको सिंपली बाहर जो है लीव्स में बिठा दिया था, और इसकी मैंने रैंडम पिक्चर ली थी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल बाहर जाएं और जहाँ पे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं वहाँ पे अपने बच्चे को बिठा दें, लिठा दें और उसकी पिक्चर्स ले लें। और ये कलर्स तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मुझे तो मोहब्बत मूवी वाली वो सारा सीन याद आ गया, वो वाला टाइम ना। लेकिन वाकई देखे बहुत ही खूबसूरत कलर है, अपने बच्चे को बच्चे की बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये मेमरीज़ हैं और मेमरीज़ लास्ट फॉर एवर। और आई थिंक मेरा भी है कि मुझे फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है। ये देखें मेरा बेटा जी भाई शुरू, यहाँ पर भी आराम से बैठना नहीं है। तो मुझे बड़ा शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ में करती हूँ, और ख़ासकर अपने बच्चों के हवाले से मैं बहुत करती हूँ। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ ना कुछ टिप्स इससे मिल रही होगी। मुझे मेरी फैमिली को मेरे बच्चों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।